मठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इनके अलावा जो दो होटल थे, एक ये स्लो क्रैश होटल था, इसे भी पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। लाल निशान इस पे लगा दिए गए थे क्योंकि इस पे दरार है। और आज इनके जो मालिक हैं उन्होंने लिख के दिया है कि अब इन होटलों को भी तोड़ा जाए, क्योंकि अब होटल माउंट व्यू और मलारी इनके बाद जोशी मठ में पहला ये एक ये होटल होगा। और एक इसके बगल में जो है, यहाँ पे देख सकते हैं लाल निशान लगा हुआ है, होटल पूरी तरह खाली है, इसके खिड़कियां उतारी गई है, होटल पूरी दरारों के कारण बंद करना पड़ा। ये मुख्य रोपवे वाली ओली जो रोपवे चलती है, एशिया की सबसे लंबी रोपवे, उस मार्ग पे ये है। और सीजन और विंटर सीजन दोनों ही दौरान ये एक बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन यहाँ पे दरारें आने के कारण इन होटलों को बंद करना पड़ा। दरारें यहाँ पे इस कदर आ गई और ये दोनों होटल भी माउंट व्यू और मलारी इनकी तरह चिपके हुए नजर आने लगे, जिसके बाद इन होटलों को खाली करा दिया गया था और लाल निशान लगा दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों होटल चिपके हुए हैं। और आज इन दोनों होटलों के मालिकों ने प्रशासन को अब इन होटलों को भी तोड़ने की अनुमति दे दी है। यहाँ रास्तों में देख सकते हैं दरारें हैं, होटलों पे दरारें हैं, इसकी खबर हमने पहले चलाई थी। और अब इनको भी तोड़ने का जो प्रशासन ने इनके जो मालिक हैं होटल स्वामी है, इन दोनों ने अपनी सहमति दे दी है। आप बता सकते हैं कि होटल माउंट व्यू और मलारी इनके बाद अब जोशीमठ जो ओली रोपवे वाली सड़क है, इस पे ये दोनों होटल है, होटल मलारी, ये होटल कामेट और स्नो क्रैश, इन दोनों को तोड़ने का काम भी जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि आज इन दोनों के मालिकों ने प्रशासन को अपने होटलों को तोड़ने की अनुमति दे दी है। कमल एन जिलोरी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।